समाजवादी पार्टी की मासिक कार्यकर्ता बैठक का आयोजन वेतिहाता स्थित पार्टी कार्यालय के सभागार में संपन्न हुआ। बैठक में मुख्य रूप से समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रहलाद यादव, प्रदेश सचिव राजमंगल यादव, मिर्जा गालिब, जिला उपाध्यक्ष अशोक यादव सहित अन्य पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बैठक को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष ने कहा कि वर्तमान सरकार जनता के हितों की उपेक्षा कर रही है, जिसका खामियाजा उसे आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। बैठक के बाद गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एक सवाल का जवाब देते हुए जिला अध्यक्ष प्रहलाद यादव ने कहा कि वह भी मानते हैं कि जिला प्रशासन की तरफ से गेहूं की क्रय के लिए टोल फ्री नंबर दिया गया है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। अभी भी बिचौली है जो किसानों को प्रताड़ित कर रहे हैं। इस संबंध में उन्होंने आगे कहा, और एक एक साथी के दिल में एक एक दर्जनों कार्ड में पहुंच करके और घरों पर पहुंच करके 12-1 बजे 2 बजे रात तक आप सभी लोग सामाजिक और मांगलिक कार्यों में अपने को सम्मिलित कर रहे हैं। सोचा कि इस मीटिंग को 10 बजे से 12 बजे तक चला दिया, लेकिन आने का एक अनुभव होती है जो एक महीने था से लेकर के और लखनऊ तक कार्यालय तक वो लिपिबद्ध करके और यहाँ से हम लोग प्रेरित कर रहे हैं। तो इसलिए आप लोगों के विचार बहुत महत्वपूर्ण है और आप लोगों के विचार पार्टी के हित के लिए बहुत जरूरी भी है। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, ये बातें झूठ हैं तेरी, ये वादे किताबी हैं। तुम्हारे मेज चांदी के, तुम्हारे जाम सोने के, यहाँ जुम्मन के घर में आज भी मुट्ठी लगा दी। इसे बहुत पहले से उन्होंने कहा था। मीटिंग हो रही है, क्या क्या है इसमें? ये मीटिंग हमारी रूटीन मीटिंग है और महीने के हर प्रथम शनिवार को समाजवादी पार्टी के हर जिलों में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की, नेताओं की बैठक आती है और बुलाई जाती है और समसामयिक जितनी भी घटनाएं, जितनी भी बातें होती हैं, जनहित से, सरोकार से जितने मुद्दे होते हैं, उसको हम लोग जनता से फीडबैक लेकर, नेताओं से फीडबैक लेकर प्रदेश कार्यालय को सूचित करते हैं और उसी परिप्रेक्ष्य में। अगर जी अभी आप गेहूं क्रय की बात कर रहे थे, बिचौली आ गए हैं, ये अभी आपने बताया है कि बिचौलियों को सरकार से मतलब वो मिल रहा है गेहूँ खरीद की बात, लेकिन अभी यहाँ पे जिलाधिकारी ने टोल फ्री नंबर भी जारी किया है कि आप बिचौलियों के चक्कर में ना पड़े, आप सीधे किसानों को दे सकते हैं, इसके बारे में क्या? ये टोल फ्री नंबर भी जारी होते हैं, इनकी एजेंसी भी घूम करके चेक करती है, लेकिन आप एक स्वतंत्र पत्रकार हैं, मैं आपसे आग्रह करूँगा कि इनकी किसी भी क्रय केंद्र पर, मेरा चैलेंज है गोरखपुर जनपद के किसी भी क्रय केंद्र पर आप चल चलिए हमारे साथ और वहाँ की हकीकत उस क्रय केंद्र में आने वाले गांव में चल करके किसानों से पूछ लीजिए कि उनके कितने क्विंटल भू उपज को लिया गया है, गेहूं को लिया गया। ये हालत केवल किताबी हालत है, वो 1500 पर अपना गेहूँ बेचने को किसान मजबूर है, गाँव के उस छोटे व्यापारी को जो व्यापारी जा करके 1500 में उधार में खरीदता है और रात में ट्राली में भर करके और ले जा करके वो बेच रहा 1735 रुपये। अब चुनाव देखे हैं तो पाइलिंग शुरू कराए हैं कि पाइलिंग करवा रहे हैं, फर्टिलाइजर की पाइलिंग करवाने जा रहे हैं वहाँ की, उस पर एम्स की एक मिस्त्री और 2 मजदूर कितने वर्षों में पाइलिंग कर पाएंगे इसको आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। एक दिन एक कैमरा घुमा दीजिए उधर फर्टिलाइजर की तरफ, पता चल जाएगा, इनके झूठ का पर्दाफाश हो जाएगा।